बेंगलुरु में एक ही घर में 22 बॉक्सों में 42 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। बीआरएस का कहना है कि ये कैश कांग्रेस का है। बेंगलुरु के आरटी नगर में 12 अक्टूबर की रात एक घर के अंदर से बेड के नीचे से 22 बॉक्सों में 42 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। यह रकम पूर्व महिला पार्षद अश्वत्थामा, उनके पति आर अंबिकापति, बेटी और बहनोई के खिलाफ हुई छापेमारी की कार्रवाई में मिला है। खबरें ये हैं कि जिस घर में यह रकम बरामद हुई है अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो घर किसका है। बता दें कि अश्वत्थामा कांग्रेस के पूर्व विधायक श्रीनिवास मूर्ति की बड़ी बहन है। उनके पति आर अंबिकापति बीबीएमपी कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। यह रकम कथित रूप से बेंगलुरु से चेन्नई होते हुए हैदराबाद ले जानी थी। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह छापेमारी की है। वही कर्नाटक के कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने इनकम टैक्स की रेट पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पिछले 8 साल में कोई काम नहीं किया है। मुझे मेरी पत्नी ने फोन पर बताया था कि अंबिकापति और उसके रिश्तेदारों पर छापेमारी हुई है। ठेकेदार होने के अलावा मेरे पास और काम भी है। अगर आयकर विभाग को अंबिकापति के रिश्तेदारों के घर पे पैसे मिले हैं तो उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव ने इस कैश को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा है। बीआरएस के नेता ने दावा किया है कि यह रकम तेलंगाना टैक्स के नाम पर बिल्डरों, सोने का कारोबार करने वाले लोगों और ठेकेदारों से ली गई है। यह रकम उन 1500 करोड़ रुपए का हिस्सा है जिसे कांग्रेस ने तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पड़ोसी राज्य से मांगा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद में कहा था कि केसीआर ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की आर्थिक मदद की थी, इसलिए अब कर्नाटक सरकार तेलंगाना में बीआरएस की मदद के लिए पैसे भेज रही है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले इतना बड़ा कैश बरामद होना कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कैश को किससे जोड़ा जाता है और ये कैश किसके खाते में जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।